हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके दिसंबर 2020 टारगेट एग्जामिनेशन के लिए आप में से किन किन स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट जमा करवाने होंगे, आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने हैं या फिर ऑफलाइन जमा करवाने हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके असाइनमेंट जमा करवाने के लिए लास्ट डेट कब तक दी गई है। साथ ही दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर दीजिएगा, ताकि अपना टिप्स गुरु चैनल जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे आपके असाइनमेंट्स के लिए कि आपको ऑनलाइन जमा करवाने हैं या फिर ऑफलाइन। अगर दोस्तों आपके स्टडी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, मतलब आपके एरिया में COVID-19 के कम केसेज हैं, तो आपके स्टडी सेंटर्स ओपन हो रहे होंगे। ऐसे केस में आप अपने अपने स्टडी सेंटर पर जाके अपने असाइनमेंट्स को ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं, काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे COVID-19 के बहुत से केसेज हैं, जिसकी वजह से आपके कॉलेज को ओपन नहीं किया जा रहा। ओनली एग्ज़ाम्स के लिए उन्हें ओपन किया जा रहा है, उसके बाद में आपके असाइनमेंट से संबंधित या किसी भी अलग जानकारी के लिए वहाँ पर आपको इंटरटेन नहीं किया जा रहा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट दी गई है, और अभी तक इग्नू की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जैसे कि दोस्तों, जून एग्ज़ाम्स के लिए इग्नू की तरफ से 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इग्नू ने यह बताया था कि जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं उन सभी को ऑनलाइन असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के लिए या तो कोई नई ईमेल आईडी जारी करनी चाहिए या फिर कोई नई सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों काफ़ी रीजनल सेंटर्स की तरफ से ईमेल आईडीज दे दी गई थी, काफ़ी रीजनल सेंटर्स की तरफ से गूगल फॉर्म की फैसिलिटी दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए इग्नू की तरफ से तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। फिर भी दिल्ली 3 एक ऐसे रीजनल सेंटर हैं जिनकी तरफ से आपके असाइनमेंट जमा करवाने के लिए ऑनलाइन लिंक अवेलेबल कर दिया गया। दोस्तों, दिल्ली 3 की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन असाइनमेंट्स। आप में से जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली 3 रीजनल सेंटर वाले हैं, आप सभी अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन पहले वाली वीडियो में कवर कर दी है। इसके अलावा आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का एक पेज दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट दी गई है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जिनके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 15 सितंबर की लास्ट डेट दी जाती है, या फिर काफ़ी ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 31 अक्टूबर तक की लास्ट डेट दी गई है। ऐसे केस में दोस्तों, आप अभी 30 सितंबर को ही अपना लास्ट डेट समझे, उसके बाद में इग्नू की तरफ से कोई नया नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। उस टाइम पे आप 30 सितंबर के बाद में भी अपने असाइनमेंट्स को जमा करवा पाएंगे। जैसे कि दोस्तों, ये एक स्टूडेंट है BA के, इनका आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। इसके आप सेकंड पेज में चेक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर 2020। दोस्तों, आपके लिए ये असाइनमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप यहाँ पे ये जो एक इग्नू की तरफ से नोट दिया गया है इसे पढ़ के समझ पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमेंबर द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। इफ यू डू नॉट सबमिट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम, यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपके असाइनमेंट जमा करवाना आपके एग्जाम्स में बैठने के लिए एक प्री कंडीशन दिया जाता है। आप अगर अपने असाइनमेंट्स टाइम पर जमा नहीं करवाते हैं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए मना किया जा सकता है, आप अपने एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे तो देख लिया आपने कि 31 अक्टूबर की लास्ट डेट दी गई है। ऐसे ही दोस्तों, मैं एक MCOM के स्टूडेंट का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, ये है MCOM फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर में अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपियर करेंगे, यू मस्ट सबमिट देम लेटेस्ट बाय 15 सितंबर। जबकि दोस्तों, ऑलरेडी 15 सितंबर की लास्ट डेट जा चुकी है, और आप में से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से आपके कॉलेज बंद है, आप किस तरीके से अपने असाइनमेंट को जमा करवा सकते, और ना ही आपके रीजनल सेंटर्स की तरफ से कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई।
इसलिए आप अभी 30 सितंबर तक भी अपने असाइनमेंट्स जमा करवा सकते हैं। अगर उसके बाद में लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा तो आप बाद में भी अपने असाइनमेंट्स को जमा करवा पाएंगे। दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको अपने असाइनमेंट अभी सेप्टेम्बर में या अक्टूबर में जमा करवा देना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों वो सभी स्टूडेंट्स जो भी अभी जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करने वाले थे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स तो अभी सितंबर में हो रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट जमा करवा दीजिए। सेकंड नंबर पे वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने असाइनमेंट जमा तो करवा दिए थे लेकिन आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस अभी तक इग्नू के पेज पर अपडेट नहीं हो पाया। अगर दोस्तों ये यहाँ पर 30 सितंबर या आपकी असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट तक अपडेट नहीं हो पाता है तो आप फिर से अपने असाइनमेंट्स को जमा करवा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो था सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप ही अभी सितंबर में अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो भी जून में अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करने वाले थे और आपने अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाए, क्योंकि जून एग्जामिनेशंस के लिए आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट दी गई थी 31 जुलाई। अगर आपने जमा करवा दिए थे और आपका सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं होता है तब भी आप अपने असाइनमेंट्स को फिर से जमा कर दीजिएगा। दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स जून एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं थे, जो डायरेक्टली दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हैं, स्पेशली वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में अपना एडमिशन करवाया है या अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप सभी स्टूडेंट्स अभी सितंबर में अपने असाइनमेंट्स जमा करवा दीजिए। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे हैं या आपका सेमेस्टर वाला सिस्टम है, जितने भी स्टूडेंट्स BCA MCA वाले हैं या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वाले, उन सभी के सेमेस्टर वाइज असाइनमेंट्स जमा किए जाते हैं। अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में अपना एडमिशन करवाया है तो आप सभी स्टूडेंट्स को भी अभी अपने असाइनमेंट्स जमा करवाने होंगे। दोस्तों ये आपके असाइनमेंट से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अभी आप यही समझ लीजिए कि जल्दी ही इग्नू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाएगा कि आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है दोस्तों कि आप अभी आपके पास में सफिशेंट टाइम है, आप अपने असाइनमेंट्स बना के रख लीजिए। जैसे ही इग्नू की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस टाइम पर आप अपने असाइनमेंट्स को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जमा करवा पाएंगे। दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप सभी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर इसके अलावा आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।